ठीक है, आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब प्रमोशनल वीडियो में, जहाँ आप सीखते हैं अकाउंट विथ टैली प्राइम। जहाँ दोस्तों अकाउंट के साथ टैली की बेसिक से लेके एडवांस तक की पूरी कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो में मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ जीएसटी से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस कि हम जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे करते हैं। अगर हमारे पास जीएसटी रिटर्न 3B है और उसे हम मंथली रिटर्न, वो जीएसटी जो हमारी रिटर्न होती है वो मंथली होती है, तो उसे हम कैसे करेंगे। तो जीएसटी आर 3B मंथली रिटर्न होती है, जीएसटी आर रिटर्न की फिलिंग कैसे करें, तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं जीएसटी आर 3B जो कि हमारी मंथली रिटर्न होती है उसे कैसे फाइल करें। तो जीएसटी रिटर्न 3B जो होती है वो सिर्फ परचेज और सेल्स की होती है। जीएसटी जो हमारा होता है वो पोर्टल पोर्टल डाटा के ऊपर सेल्स और परचेज की जीएसटी रिटर्न 3B करना होता है। जो हमारा डाटा होता है परचेज का और सेल्स का, वो पोर्टल डाटा होता है और उस पे हमें जीएसटी आर 3B रिटर्न करना होता है। तो रिटर्न फाइल करते वक्त क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस नेट होता है वो हमें नोट करना होता है। अगर आप जीएसटी रिटर्न कर रहे हैं उसके लिए हम जा रहे हैं जीएसटी जो हमारा होता है गवर्नमेंट टैक्स वाले ऑप्शंस पे जाते हैं और वहां से हमें जो क्रेडिट लेजर का बैलेंस होता है वो हम किसी जगह पे नोट कर लें। और नोट करने के बाद पहले जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि कितना टैक्स पे करना है, फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि सेल्स कितना पेड करना है, परचेज कितना पेड करना है, पेमेंट कितना पेड करना है, आईटीसी करना है और पेपर वर्क पे उसके लिए आपको जीएसटी के ऊपर क्या करना होगा। तो अगर अब हम कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी परचेज कर रहे हैं, कोई भी सेल कर रहे हैं, तो उस पे जो हमारा लेजर का जो नेट बैलेंस है जिसे हमने नोट करके रखा है उसे हमें पे करना है। तो उसके लिए हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि हमें जो वो आईटीसी पेड करना होता है जीएसटी रिटर्न 3B में वो कैसे करें। और वो हमारा एक पेपर वर्क होता है, तो पेपर वर्क के लिए पेपर वर्क पे उसके लिए आपको जीएसटी के 3D जीएसटी रिटर्न के ऊपर डैशबोर्ड पे जाना होगा और वहां पे जो क्रेडिट की लेजर में जो एसजीएसटी सीजीएसटी होता है, मान लीजिए अगर जैसे मान लीजिए कि हमारा जो क्रेडिट का लेजर था वहां पे हमारा जो अमाउंट था एसजीएसटी का मान लीजिए 1500 रुपये था, सीजीएसटी को जो मान लीजिए 1500 रुपये ही है, और जो दोनों को जो हमने नोट किया था दोनों को अमाउंट की, दोनों की क्रेडिट लेजर की अमाउंट, उस पे हमें आईटीसी करना होगा। फिर फाइल रिटर्न पे जाके फाइनेंशियल ईयर फिल कीजिए, फिर रिटर्न फाइलिंग पीरियड फिल कीजिए जिस पे आप मंथ में जीएसटी आर 3B फाइल करेंगे, और फिर सर्च करेंगे सर्च बॉक्स पे। फिर डाउन सर्च बॉक्स पे जाने के बाद हम डाउन एरो से डाउन नीचे जैसे ही आप आएंगे थोड़ा सा नीचे, तो वहां पे आपको जीएसटी आर 3B फाइल की जो ऑप्शंस होगी वहां पे आप देख सकते हैं कि मंथली रिटर्न जीएसटी आर 3B का बॉक्स दिखेगा। उस पे आपको ऑनलाइन अगर जीएसटी आर 3B फाइल करना है तो आप उसे ऑनलाइन सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आपको ऑफलाइन जीएसटी रिटर्न फाइल करना है तो आप ऑफलाइन सिलेक्ट कीजिए। और उसके अंदर जो भी बेसिक पेपर वगैरह होगा, वो पेपर की जो भी डिटेल्स वगैरह होगी उसे आप जीएसटी रिटर्न फाइल में फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने सीखा किस तरह से हम ऑफलाइन वर्क जीएसटी का करें और किस तरह से हम डैशबोर्ड पे जाएंगे और क्रेडिट लेजर की नोट को बैलेंस करके डैशबोर्ड पे जाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के ऑप्शंस पे और वहां से हम फॉर्म जीएसटी रिटर्न की फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारे कंप्लीट कोर्स की वीडियो चाहिए तो आप आईपीटी एक्सेल स्कूल की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और वहां से आपको मिलता है कंप्लीट टैली प्राइम की बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी अकाउंट के साथ कोर्स, और साथ ही साथ आपको मिलता है कंप्लीट वीवीए एक्सेल विथ माइक्रो प्रोग्रामिंग, एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला, 1-to-1 लाइव क्लास जिसपे कि आप
किस तरह से कांटेक्ट करें, ऐप की डाउनलोडिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है और आप वहां से डाउनलोड करें और फटाफट अपने मनपसंद कोर्स की वीडियो परचेज कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं कि किस तरह से हमने GST 3B का जो रिटर्न फाइल किया है वो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।